दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं दरगाह इब्राहिम शाह पे। ये वहाँ की मस्जिद है, आप देखें। रात का टाइम है, ये यहाँ पर नमाज के लिए मस्जिद। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक शेयर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई लाला जान पठान खैरपुर मीरा सिंध पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और खुशी का बायस बनेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम यूँ समझ लें कच्चे की तरफ जा रहे हैं, दरगाह है, एक दरगाह की तरफ जा रहे हैं जिनका नाम है दरगाह पीर इब्राहिम शाह कुरैशी, जिनकी दरगाह मदेजी में वाक़ है और मदेजी सिटी से थोड़ा साइड एरिया है, जो कि यहाँ से आप बहुत रोड की सूरत हाल देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना दूर ये दरगाह है। और इस वक्त जाना एक तो मतलब अल्लाह पर खैर करेंगे, हम तो तवक्कल पर जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत रास्ता थोड़ा कठिन है, रोड वोड नहीं बना हुआ। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कज़न साबिर हुसैन पठान, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुआ शुक्र है, ठीक है। आप तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ रहा है। वीआईपी, अभी हम जा रहे हैं, बहुत अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। अभी हम जा रहे हैं दरगाह की तरफ। अभी आगे रेलवे स्टेशन भी मदेजी का इधर ही आता है, सिटी से बहुत दूर है। जी नाज़रीन, तो मैं आपको दिखाता और बताता चलूँ, रोशनी की कमी की वजह से मैं फिर भी थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ। ये जहाँ से दरिया का बंद, जो सिंधी में बंद बोलते हैं, अगर खुदा न खासा सैलाब वगैरह आना होता है तो उस एरिया से भी हम गुज़र रहे हैं। ये सामने अगर आपको बॉर्डर लाइन नज़र आ रही हो तो ये मदेजी की बॉर्डर लाइन है। इससे आगे जो है पानी है सिर्फ, और उसके बाद ये जो मिट्टी का बड़े बड़े टीले लाइन में बने हुए हैं, ये इस वजह से कि अगर ओवरलोड पानी आ जाए तो उसे कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त आज 15 रबीउल अव्वल है 2021, बरोज़ जुम्मा। जाना हमें सवेले था लेकिन थोड़ी देर हो गई, लेकिन वीडियो भी बनाने का मूड था पहले से ही, तो अभी मैंने सोचा कि जाना भी है और सोचे बैठे हैं तो ज़्यारत तो लाजमी करनी है। ये सारा मुझे कच्चे का एरिया है, मतलब साइड एरिया है, कच्चा तो नहीं है। ये रोड वोड भी बने हुए हैं, यहाँ पर रिहाइश भी है लोगों की, लेकिन यह है कि चारों तरफ ज़मीनें और घने दरख्त वगैरह हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे तो मैं आपको वहाँ की मौका मिलते ही जो है ज़्यारत भी कराऊँगा और दरगाह का भी दीदार कराऊँगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा जो है डिस्टेंस में हैं, लेकिन यह है कि टाइम की जो पोजीशन है अंधेरे की वजह से हो सकता है वीडियो की क्लियरफिकेशन नहीं आ रही हो, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। अगर दिन का टाइम होता तो मैं आपको अच्छे से दिखाता यहाँ की ज़मीनें, मस्जिद वगैरह जो भी है रास्ते में, लेकिन फिर भी छोटी सी कोशिश है। आगे चल के अब मैं दरगाह की तरफ जैसे ही करीब पहुँचूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर से वीडियो में ले लूँगा। थैंक यू। ये यहाँ पर नाजरीन बहुत ही पुराने दौर का अलम पाक भी लगा हुआ है, जो कि बहुत ही मोटी लकड़ी का है। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं दरगाह इब्राहिम शाह पे। ये वहाँ की मस्जिद है, आप देखें। रात का टाइम है, ये यहाँ पर नमाज के लिए मस्जिद बनी हुई है और दरगाह इब्राहिम शाह। ये गुंबद अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन, ये दरगाह इब्राहिम शाह का सहन है। शायद आपको आवाज़ कम आ रही हो, लेकिन मैं एहतरामन थोड़ा स्लो बोल रहा था।
ये सहन है दरगाह का, और पीछे कुआं बना हुआ है पुराने दौर का। उस तरफ अभी अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये सहन है और आपको अंदर लेकर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी साइड का सहन है पीर इब्राहिम शाह का। ये जो है खुद कुरैशी थे, लेकिन मैं इनकी हिस्ट्री तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि बस जो अगर पाकिजगी से नियत से इबादत करें तो वो वली बन जाते हैं। ये सैयद ना होते भी, कुरैशी होते हुए भी आज इनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट इज़्ज़त है इस दुनिया में। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि वीडियो बनाएं और आप तक ज़रूर ये भी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें हमारे वीडियोस के बारे में। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी। आपका दोस्त, आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरा, सिंध पाकिस्तान से। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।